अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज कहा था, और इसको हम कहेंगे पॉजिटिव रेज। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी? एक जर्मन फिजिस्ट था, उसने 1886 में, नेम था उसका ई गोल्डस्टीन, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड के एक्सपेरिमेंट में थी, इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ इसकी थोड़ी सी जो है शेप वो है डिफरेंट। यहाँ पे वैक्यूम पंप और इस तरह से ये ग्लास ट्यूब है। एनोड भी सेम जिस तरह से उधर था पिछले एक्सपेरिमेंट में, बट कैथोड क्या है, थोड़ा लार्ज इन साइज़ है एंड यहाँ पे एक होल प्रेजेंट है। यहाँ पूरा कैथोड नहीं प्रेजेंट बल्कि कैथोड के दरमियान यहाँ से स्पेस है या होल प्रेजेंट है। अगेन एनोड और जो कैथोड हैं वो कनेक्टेड टू बैटरी। जब पोटेंशियल अप्लाई की गई यानी कि बैटरी को स्विच ऑन कर दिया गया, तो एज़ वी ऑलरेडी नो के पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी ऑब्ज़र्व किया था इस तरह से। बट इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, क्योंकि लास्ट एक्सपेरिमेंट में तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे थे उनका ग्लो यहाँ पे एनोड वाली साइड पे ग्लास पे प्रोड्यूस हो रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ग्लो देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे होल था, इस होल से निकल के यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। तो इससे ये पता चल रहा था कि अगर वो होते नेगेटिवली चार्ज तो वो कभी भी कैथोड की तरफ ट्रैवल ना करते, वो तो एनोड की तरफ ट्रैवल करते ऑपोजिट चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस हुए हैं जिन्होंने कैथोड की तरफ ट्रैवल किया है, और अगर यहाँ पे ये होल ना होता तो यहाँ पे ग्लो भी प्रोड्यूस ना होता, तो हमें प्रूफ ना मिलता इन पार्टिकल्स के प्रोड्यूस होने का। तो अब हमें प्रूफ मिल चुका है कि कोई ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैथोड रे से ट्रैवल कर रहे हैं। तो इनको कहा गया, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वो हमें ऐसे पता चला इनकी मोशन की बेसिस पे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, तो इनको पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया। या क्योंकि ये यहाँ से कैनाल, एक समझ लें एक ओपनिंग है, इससे मूव कर रहे हैं, तो इनको कैनाल रेज का, पॉजिटिव रेज का या कैनाल रेज का जो है नेम दे दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे माइंड में आता है एक क्वेश्चन, कि नेगेटिव चार्ज तो कैथोड से प्रोड्यूस हो रहे थे, ये पॉजिटिव चार्ज क्या एनोड से प्रोड्यूस हो रहा है, या ये चार्ज कहाँ से आ रहा है? तो ये जो चार्ज है, यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या यहाँ पे एटम्स मौजूद हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी गैस एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करता है, तो ये इसमें से क्या कर देता है, नॉक आउट कर देता है इलेक्ट्रॉन, तो पीछे क्या रह जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये रेज प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन दी ग्लास ट्यूब। सो गैस मॉलिक्यूल अगर हमारे पास इस फॉर्म में था, लाइक उसके पास इलेक्ट्रॉन था,
तो इलेक्ट्रॉन जब निकल गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग से प्रेजेंट है। पहले ये न्यूट्रल था, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसने स्ट्राइक किया इसको, इसमें से नॉकआउट कर दिया इलेक्ट्रॉन और ख़ुद भी साथ इसके मिल गया, तो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो कि ये हमने देखा है कि यहाँ पे आ चुका है। फर्दर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, सॉरी पॉजिटिव रेज, एनोड रेज या प्रोटॉन्स, उसके अलावा हम इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इनको इफ़ेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। सो हमें ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जिन पार्टिकल्स पे, तो उनको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ेक्ट करती है। सो इन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा क्योंकि जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो बेसिकली तो ये स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करते हैं, प्रोटॉन्स हों या इनको कैनाल रेज कहें, पॉजिटिव रेज स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करते हैं। मगर जब हम मैग्नेट अप्लाई कर देंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे दोनों डायरेक्शंस में, तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो हो सकता है कि इनका पाथवे इस तरह से अपसाइड थोड़ा सा चेंज हो जाए। फर्स्ट अगर ये इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही थी तो आप इधर स्ट्राइक करें, इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे, इफ़ेक्ट शो करेंगे कि इनको इफ़ेक्ट पड़ता है किसी फील्ड से क्योंकि इनके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड रेज का तो हमने देखा था कि मास टू चार्ज जो वैल्यू है वो इक्वल टू है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी किसके इक्वल है, इक्वल तो इसके नहीं है, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट इट इज़ स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, वो किस वजह से है, अगर हम बात करें मास की तो जो प्रोटॉन का मास होता है, यानी अब मास टू चार्ज वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हमें किसी चीज़ का चार्ज पता होना चाहिए और मास पता होना चाहिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मास से इन्वर्सली रिलेटेड है और चार्ज से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास मास टू चार्ज रेशो की वैल्यू ज़्यादा आएगी, अगर मास की वैल्यू ज़्यादा है तो मास टू चार्ज रेशो की वैल्यू कम आएगी क्योंकि मास के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हम प्रोटॉन का मास देखें तो इसका मास होता है 1836 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई चीज़ यानी कि इन्वर्स में आ रही है और उसकी वैल्यू आ रही है इतनी ज़्यादा देन इलेक्ट्रॉन, यानी मास बहुत ज़्यादा है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से, तो मास टू चार्ज वैल्यू यहाँ पे इन्वर्स में उतनी ही लेस आएगी, इसलिए मास टू चार्ज रेशो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से कम है क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है, इन्वर्स रिलेशन है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल पे आप नए हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम आप तक पहुंची है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें और आप तमाम इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के लेक्चर्स से बर वक्त फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।